गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 1.3। लास्ट क्लास में हमने सब्ट्रैक्शन की एक प्रॉपर्टी को रीड किया था, जो कि प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी बच्चों, सब्ट्रैक्शन की क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें आपको मैंने बताया था कि a माइनस बी इक्वल नहीं होता b माइनस ए के, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था कि a माइनस बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू b माइनस ए। एक एग्जाम्पल आपको मैं करवाता था, सिंपल से नंबर को लेकर चलते हैं, थ्री और वन की बात कर लेते हैं। तो आप जब 3 माइनस वन करोगे तो बच्चों 2 हो जाएगा आपके पास, बट आप 1 माइनस थ्री करोगे तो आपके पास माइनस 2 हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ आपके पास क्या नहीं आई, नो इक्वल नहीं आई, तो ये हमारे पास क्या नॉट इक्वल है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैंने आपको ये कहा था कि हम 1.3 की शुरुआत करेंगे, अगली क्लास में 1.3 से स्टार्टिंग करेंगे। तो आ जाइए 1.3 के क्वेश्चन पर, इसके हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है एवोलेट, मतलब एवोलेट इसको सॉल्व करना है हमको, सॉल्व दैट। तो ये क्वेश्चन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है, 6 अपॉन 7 माइनस 5 अपॉन 14 प्लस 1 अपॉन 21। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसके अंदर बच्चों ये देखिए कि 7, 14 एंड 21 का एलसीएम लेते हैं हम। तो इसका एलसीएम लेना आई होप आप सबको आता होगा, नहीं आता तो ये देख लीजिए। हम बात कर लेते हैं 7, 14 एंड 21 का एलसीएम। सबसे पहले हम डिवाइड जिन नंबर से होते हैं, नंबर्स ही होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये आपके पास प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों, इन प्राइम नंबर से आप क्या कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो नंबर के। तो सबसे पहले 2 की बात कर लेते हैं, 7 में डिवाइड नहीं होता 2 का, तो 7 एज इट इज आ जाएगा। 14 डिवाइड बाई 2 7, 21 डिवाइड नहीं होता 2 से, 21 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद 2 के बाद हम बात करते हैं 3 का, 3 से डिवाइड करोगे तो 21 3 से डिविजिबल होता है, तो ये 7, ये 7, ये भी 7। इसके बाद हम 3 के बाद 5 से डिवाइड होगा नहीं, 7 पर डायरेक्टली चलेंगे, 1 एंड 1 एंड 1। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2, 3 इंटू 7। एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 3, 6 इंटू 7, 42। 42 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इनका 7, 14 एंड 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 42 एलसीएम हो जाएगा आपका। तो अब देखिए 7, 6 जा 42, 7 इंटू 6 करोगे तो 42 आएगा, और 6 इंटू 6 कर दो आप, 6 इंटू 6, फिर माइनस 5 इंटू कितना करें आप चेक करें, 14 3 जा 42, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का साइन 1, 21 2 जा 2 इंटू 1 कर दोगे। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों ये 6 इंटू 6 36, माइनस 15 प्लस 2 अपॉन 42। इसको जब सोल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा वो देखिए, 36 और 2 48, 48 माइनस 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 43 एंड प्लस 43 में से 33 आ जाएगा, ये 33 अपॉन 42। अभी बच्चों कोई नंबर से कट हो रहा है क्या, देख लीजिए 3 से कट हो रहा है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए दोनों नंबर को, तो ये 11, ये कितना हो जाएगा 14, 11 अपॉन 40 इज द राइट आंसर हो जाएगा आपके पास। एक क्वेश्चन मैंने करवाया, आप इसके बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से करोगे। हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 के पोन में 1 लगा लें, ये भी 7 के पोन में 1 कर लीजिए बच्चों, ताकि कई बार प्रॉब्लम आती है अगर आप 1 नहीं लगाओगे तो एलसीएम लेने में ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हम 3 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन में 1, 2 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 14। अब 4 यहाँ 1 है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, 14 इंटू 7 इंटू 14, या माइनस साइन, 2 7 जा 14, 7 इंटू 1, माइनस का 15, 7 2 जा 2 को मल्टीप्लाई कर दो, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 14 7 जा कितना होता है 98, माइनस 7 माइनस 30, तो ये माइनस का ऐड हो जाएंगे दोनों, 98 माइनस 37 अपॉन 14, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 6 अपॉन 14, 61 अपॉन 14 इज़ द राइट आंसर। तो ये आपका कौन सा हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चों, ठीक है। तो देख लीजिए
आपका थ्री नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर ये वन क्वेश्चन हो गया। तो इस टाइप से आई होप आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो समझ आई ये चीज़ आपको, क्लियर हुआ? तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू माइनस थ्री अपॉन फाइव, कि माइनस थ्री अपॉन फाइव में आपको क्या नंबर ऐड करना चाहिए टू गेट वन, कि आपके पास आंसर वन आ जाए। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इसके अंदर देखिए इसकी क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट द नंबर इज एक्स, कि वो नंबर मान लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट द नंबर इज एक्स, आपने एक्स लेट कर लिया उस नंबर को। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू माइनस थ्री अपॉन फाइव, नंबर लेट कर लिया आपने एक्स, एक्स को ऐड करना चाहिए माइनस थ्री अपॉन फाइव में टू गेट वन। तो एक्स प्लस कर दोगे आप, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करोगे, एक्स में प्लस कर दोगे माइनस थ्री अपॉन फाइव को, और आपके पास आंसर कितना आना चाहिए बच्चों, वन आना चाहिए। ओके, आपको ये चीज़ समझ आई? अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू वन। अभी माइनस का थ्री अपॉन फाइव दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो वन प्लस थ्री अपॉन फाइव जब आप एलसीएम लेके करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एट अपॉन फाइव। एट अपॉन फाइव इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ से आपको क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, ये समझ आ गया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव नंबर क्वेश्चन के बाद आप सिक्स आप करोगे, सेवन भी आप करोगे और एट भी आप करोगे। मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको नाइन्थ। कहता है इफ टू एंड 1.4 केजी ऑफ एप्पल्स आर रोटन आउट, फाइव एंड 1.2 केजी, हाउ मैनी आर गुड एप्पल्स। कहता है इतने में से इतने ख़राब है, 15 एंड 1/2, मतलब इतने एप्पल थे आपके पास, टोटल एप्पल कितने हैं 15 एंड 1/2, इसमें से ख़राब एप्पल जो है वो कितने हैं 2 एंड 1/4। तो टोटल गुड एप्पल्स कितने हैं, ये बैड एप्पल, ये कितने हैं टोटल, ठीक है, ये टोटल है। तो आपके पास गुड एप्पल कितने हो जाएंगे, गुड क्या करोगे आप, टोटल माइनस बैड माइनस कर दोगे। टोटल कितना है बच्चों आपके पास, 15 एंड 1/2, इसमें से माइनस कर दोगे 2 एंड 1/4, तो आप ये चीज़ माइनस कर दोगे। इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन है, ये सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 15 2 जो 30 31 31 31/2 माइनस 4 2 जो 8 एंड 1 9 9 अपॉन 4। तो ये चीज़ क्या करनी है आपको, सॉल्व करनी है, और आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपको गुड एप्पल मिल जाएंगे, ठीक है। गुड एप्पल कितने हैं बच्चों, तो इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कहते हैं फ्रॉम ए क्लॉथ लेंथ 15 एंड 25 एंड 2 अपॉन 5 मीटर्स, 6 एंड 1/2 मीटर्स इज यूज टू मेक ए ड्रेस, व्हाट लेंथ इज स्टिल लेफ्ट। तो इसमें से ये माइनस कर दोगे आप, ठीक है, तो आपके पास जो लेंथ कपड़े की रह गई है क्लॉथ की, वो आपके पास आंसर के रूप में आ जाएगी। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज 1.3 क्या आती है, डन होती है, डन होगी, कंप्लीट हो गई। तो इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है वो आपको करके देखने हैं, आई होप आप ये कर लोगे क्वेश्चन, अगर आपने अच्छे तरीके से क्लास को लगाया है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स की बात करेंगे। इस प्रॉपर्टीज़ को करने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, आपको इसके एक्सरसाइज 1.4 करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।